तनख्वाहदार तबका भी होशरबा टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर निकल आया। हाथों में तनख्वाहदार को जीने दो के बैनर्स उठाए। मुजाहिरीन का जना एवेन्यू पर मार्च, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। देखते हैं इस्लामाबाद से उमर हयात की रिपोर्ट। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार, सैलरी क्लास भी सड़कों पर ख्वार। तनख्वाहदार को जीने दो, टैक्स को कम करो के नारे। मुजाहिरीन ने कहा, अशराफिया पर टैक्स लगाएं, हमारा खून ना निचोड़ें। सैलरीड क्लास पे हर साल 75% के हिसाब से टैक्स बढ़ रहा है, सिर्फ सैलरीड क्लास। ये कौन सा इंसाफ है दुनिया का? तो इस जुल्म को खत्म होना चाहिए। टैक्स का इतना बोझ आ गया है कि 12 महीने अगर आप साल में काम करते हैं, 5 महीने आप हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हर 2 महीने बाद टैक्स बढ़ाया जा रहा होता है, और इसके अलावा हमारा टैक्स सैलरी इतनी ज्यादा कट जाती है कि साल के बाद हमें पता लगता है कि हमारी 4-5 सैलरीज गवर्नमेंट को चली जाती है। हम अपने लास्ट 2 ईयर्स में देख रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज जो कि यहाँ पाकिस्तान में काम करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स बर्डन पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आप टैक्स पे कर रहे हैं और उसके बदले में आपका क्या डिफरेंस है नॉन टैक्स पेयर के साथ? आपको क्या सहूलियत मिल रही है? मैं बिजली के बिल पे भी वही टैक्स दे रहा हूँ, मैं गैस के बिल पे भी दे रहा हूँ, मैं बच्चों की फीस के ऊपर भी टैक्स दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर भी वही टैक्स पे कर रहा हूँ जो मुझसे कम या ना टैक्स देने वाले लोग भी पे कर रहे हैं। सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारी सैलरी ऑलरेडी कम होती है वो और कम होकर आ रही है। हमारे बाहर निकलने का मकसद ये है कि हुकूमत जो सैलरी क्लास के ऊपर स्पेशल अनफेयर टैक्स लगा रही है उसको कम करे। ये जो तनख्वाहदार लोगों के ऊपर एक टैक्स का बोझ डाला गया है, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें और हुकूमत में बैठे हुए ये लोग जो अपनी अय्याशियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं उन्हें जगा सकें, उन्हें बता सकें कि आवाम अभी जिंदा और अपने हक के लिए बोल सकती है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि टैक्सों में इजाफा वापस ना लेने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।